वेलकम टू एसएससी जीडीपी वाई क्यू प्रैक्टिस सीरीज। देखते हैं हम लोग अपनी अगली सीरीज क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, कहा गया हमसे एक वस्तु को 5600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को एक निश्चित हानि होती है, उसी वस्तु को 6160 में बेचकर वह लाभ कमाता है जो उसके नुकसान के 2/5 के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? कंडीशन आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान दें तो हमसे कहा गया कि 5600 में जब बेच रहा है तो एक निश्चित हानि होती है। हमें नहीं दिया गया हानि हो कितनी रही है, बस ये कहा गया कि एक निश्चित हानि हो रही है। सेम कंडीशन 6160 में बेचने पर लाभ हो रहा है, पर कितना लाभ हो रहा है ये भी हमको नहीं बताया गया। तो अगर हम लोग क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि 5600 में बेचने पर हानि, 6160 में बेचने पर लाभ। दैट मींस कि जो हमारा क्रय मूल्य है वो 5600 और 6160 के बीच में कहीं लाई करता है। 5600 और 6160 इनके बीच में कहीं पर क्रय मूल्य है। अब उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, वही हमें निकालनी है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एक कंडीशन हम लोगों को दी गई कि उसके नुकसान के 2/5 के बराबर है कौन, वह जो लाभ कमाता है। कंडीशन आपको यह दे दी गई कि जो प्रॉफिट उसने कमाया है वो लॉस के 2/5 के बराबर है। यही कंडीशन हमें दी गई। अगर हम लोग इस पर ध्यान दें थोड़ा सा तो हमें पता चल रहा है प्रॉफिट अपॉन लॉस इक्वल्स टू 2/5, या कह लो प्रॉफिट और लॉस में जो रेशियो है वो 2:5 का रेशियो है। यही हमें दिया गया। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि अगर हम लोग क्रय मूल्य को निकालना चाहते हैं, जो कि हमें मालूम है 5600 और 6160 के बीच में है, अगर हम इनके बीच का डिफरेंस ज्ञात कर लें कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं वही डिफरेंस इस प्रॉफिट और लॉस के सम के इक्वल होगा या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5600 में बेचने पर हानि हुई तो क्रय मूल्य इससे ज्यादा है, और इतने में बेचने पर लाभ हुआ तो क्रय मूल्य इससे कम है। दैट मींस अगर हम उस हानि को और लाभ को दोनों को आपस में ऐड कर दें तो हमें इनके बीच की जो डिफरेंस है उसी के इक्वल अमाउंट मिलनी चाहिए। कर देते हैं डिफरेंस, 6160 -5600, तो सीधा सीधा हमें डिफरेंस दिख रहा है कितने का बन रहा है, 560 का। और कंडीशन भी अब सॉल्व हो चुकी है। अभी हमने तुरंत पता किया कि ये जो 560 रुपए हैं वो लाभ और हानि के सम के बराबर है। हम लोगों के रेशियो के हिसाब से लाभ है 2 का, हानि है 5 की। भाई प्रॉफिट इक्वल्स टू 2/5 ऑफ लॉस, लाभ कमाता है जो उसके नुकसान के 2/5 के बराबर है। नुकसान का 2/5, यहीं से तो हमने प्रॉफिट लॉस का रेशियो पता किया था। लाभ हमें मालूम है 2 है, हानि 5 है, टोटल कितना हो गया 7, और 7 की वैल्यू आपको दे दी गई थी 560। That means, एक की वैल्यू 8 हो जाएगी दोस्तों, 8 क्यों 80, एक की वैल्यू हम लोगों की 80 हो जाएगी। अब बात को यहीं पर समझिए, या तो हम लोग प्रॉफिट निकाल लें, दैट मींस 2 की वैल्यू निकाल लें और उसको 6160 में से माइनस कर दें, या फिर हम 5 की वैल्यू निकाल लें और वो 5600 में ऐड कर दें। दोनों में से जो भी अच्छा लगे वही कर दो। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, 160। हमें पता चल गया उसे 160 रुपए का लाभ हुआ था, और लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सीधी सी बात है सीपी हमारा कितना बन जाएगा, 6160 -160, दैट मींस 6000 रुपए।
यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी वाला। अब अगर आप कोई भी अगर इसको लाभ की जगह हानि निकाल के करना चाहता तब भी बात वही थी, कोई अंतर नहीं था। आप पांच की वैल्यू निकालिए, एक की वैल्यू जब 80 है तो पांच की वैल्यू 400 हो जाएगी। आप 5600 में 400 जोड़ दीजिए, कितना बन रहा, तब भी तो 6000 ही बन रहा। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर 6000 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। कहा गया ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए के लिए क्या कंडीशन दी गई, 16 दिन, और बी के लिए 15 दिन। अब एक बात तो हम लोगों को यहां पे तुरंत दिखाई दे रही है कि जब बात ए और बी की गई तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली क्या है कि हमें इसका एलसीएम लेना। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से एक टोटल वर्क असाइन कर देते हैं। अब दोनों में हम लोग देख लेते हैं कि 15 और 16 में क्या कोई चीज आपको कॉमन दिख रही है, तो हमें दिख रहा है कि कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो सीधे सीधे 15 और 16 का गुणा कर दो, वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। कर देते हैं 90 और 9 5 14 240। एक दिन की अगर हम लोग बात करें तो एक दिन के हिसाब से एक कितनी कुर्सियां बना देगा, 15, बी कितनी बना देगा, 16, और दोनों मिलकर 31। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब कंडीशन की तरफ फिर से चलते हैं कि आगे हमसे क्या कहा गया। आगे हमसे बोला गया एक के 4 दिन कार्य करने के बाद एक 4 दिन कार्य कर चुकता है, उसके बाद बी ए के साथ शेष कार्य को पूरा करता है, तो पहले 4 दिन तक तो हमें ए से अकेले काम करवाना ही पड़ेगा। करवा दीजिए, ए 4 दिनों में कितना काम कर देगा, 15 × 4 दैट मींस 60 यूनिट। हमें पता चल गया कि ए हमारा 4 दिनों में 60 यूनिट काम कर देता है। काम बचा कितना, रिमेनिंग वर्क 240 माइनस 60 मींस 180। अब इसके बाद बी भी ए के साथ शेष कार्य को पूरा करने के लिए शामिल हो गया। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो जब बी ए के साथ शामिल होगा तो हम अभी निकाल चुके हैं पहले ही कि बी और ए मिलकर टोटल 31 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। तो ए प्लस बी को जो टोटल टाइम लगेगा 180/31, यही लग जाएगा या नहीं, बिल्कुल लगेगा। तो सीधी सी बात है, डिवाइड करके देख लो तो 5 बार जा रहा है, और 5 बार के लिए एक ही ऑप्शन है, 5 सही 25/31, यही आंसर है। 155 180 से कितना कम है, 25, तो 5 सही 25/31, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं थी। जब भी आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं, पहला काम सिर्फ इतना करिए जो भी आपको कंडीशंस दी गई हैं आप केवल उनको नोट डाउन करते चलें और उसी के बेस पर फॉलो करते चलें कंडीशंस को, आपका आंसर अपने आप ही सही हो जाएगा। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन। कहा गया 8000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए। तो अगर आप अर्धवार्षिक रूप से संयोजित कर रहे हैं तो बेसिकली ध्यान दीजिए 1.5 वर्ष 3 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजन को ऐसे ही खत्म कर दो, क्या टाइम दोगुना, और जब टाइम दोगुना करोगे तो रेट आपको आधी करनी पड़ जाएगी। तो सीधी सी बात है, नई कंडीशन में आपका प्रिंसिपल हो गया 8000, रेट आप आधी कर रहे हैं तो 10 का आधा 5, 5% का मतलब हम लोग जानते हैं कितना हो गया, 1/20, भाई 5/100 का मतलब क्या हो गया, 1/20,
और टाइम जो हम लोगों का हो गया वो कितना हो गया 3 इयर्स। अब बस सीधी सीधी कंडीशन है, अप्लाई कर दो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, 3 साल की बात की जा रही है। तो हम जानते हैं फर्स्ट ईयर के लिए ब्याज केवल और केवल प्रिंसिपल पर होगा 8000 का 1/20 निकाल दो तो सीधा सीधा हमें कितना मिल गया फर्स्ट ईयर का 400 रुपए। सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल पर तो हमें ब्याज देना ही देना होगा तो प्रिंसिपल का ब्याज हो गया 400। और हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट होता है जो ब्याज पर भी ब्याज देता है। तो क्या सेकेंड ईयर पर कोई ब्याज हमें मिल चुका है? तो हमें दिख रहा है कि एक ब्याज हमें मिल चुका है तो इस पर भी ब्याज दे दीजिए 400 का 1/20 20 हो गया। थर्ड ईयर में आ जाइए 8000 का 1/20 सीधा सीधा 400 तो ये हो गया, प्लस जितने ब्याज है सभी पर ब्याज दीजिए 400 पे दे दो 20 का, इस 400 पे दे दो 20 का और इस 20 पर दे दो 1 का। देख लो टोटल ब्याज कितना हो गया आपका 1260 और 161। दैट मींस 1261 रुपए, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम को डबल करो, रेट को आधा कर दो और सीधा सीधा कैलकुलेट कर दो। जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करें, आप कैसे भी कर सकते हैं। जैसे भाई 10% था, 10% का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका प्रिंसिपल चल रहा है 10 पे तो अमाउंट चल रहा है 11 पे, बेसिक बात इतनी है। और उसी कंडीशन पे हमें चलते जाना। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, कहा गया इफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज द वॉल्यूम 17600 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब देन इट्स रेडियस इज। सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया गया आपसे, शंकु की रेडियस पूछी गई है, हाइट आपको दी गई, वॉल्यूम आपको दिया गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था केवल, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर का एरिया वो वॉल्यूम है उसका 1/3 कर दो बस। इसकी वैल्यू आपको दी गई थी 17600 अपॉन 7 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, पूछा गया एच की वैल्यू 24। कुछ कटता दिख रहा है, 7 से 7 सीधा कट रहा है, 3 से 24 कटता हुआ दिख रहा है, और भी कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल 22 से सीधा सीधा 176, 8 बार जाता है 22 8 176, तो ये हो गया 800। और 800 से आर स्क्वायर इक्वल्स टू 800/8 दैट मींस 100। 100 कितने का स्क्वायर है सभी को पता है, तो बस वही आंसर हो जाएगा आर इक्वल्स टू 10। कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधा केवल और केवल हमें अपने वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करना था और इस क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई भी काम नहीं करना था, हमारा आंसर हमें मिल जाता। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्या थी। कहा गया 3 इयर्स अगो द एवरेज एज ऑफ राम एंड श्याम वाज 20 इयर्स, 3 साल पहले की बात की गई, -3 राम प्लस श्याम, एवरेज एज ऑफ राम श्याम 20 इयर्स, एवरेज एज 20 साल थी, दैट मींस इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी 20 into 2। क्यों? क्योंकि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अगर आपको सम निकालना है तो एवरेज और नंबर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें पता चल गया 3 साल पहले राम और श्याम की जो टोटल एज थी वो कितनी थी 40 साल। अब अगर हम वर्तमान की बात करें प्लस माइनस 0 पर, तो राम और श्याम की टोटल एज कितनी हो जाएगी, आप 3 साल आगे बढ़ गए तो 3 साल राम भी बड़ा होगा और श्याम भी बड़ा होगा,
दैट मीन्स ये जो टोटल है ये कितना बड़ा हो जाएगा, 6 मीन्स 46 इयर्स। अब क्या कहा गया, नाउ सैयद ज्वाइन देम, अब सैयद ने उन्हें ज्वाइन किया है तो जो अब एवरेज एज है वो 25 साल हो गई, प्रेजेंट की कंडीशन पे बात कर दी उन्होंने, तो राम प्लस श्याम प्लस सैयद एवरेज एज है 25 साल, दैट मींस टोटल एज कितनी हो गई 75 साल। अब पूछा क्या गया, व्हाट इज सैयद प्रेजेंट एज, सैयद की वर्तमान आयु बताइए। ध्यान दीजिए, राम श्याम और सैयद इन तीनों लोगों की जो वर्तमान आयु का योग है वो है 75, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग है 46, तो क्या हम सैयद की निकाल सकते हैं, कैसे, सीधी सी बात है 75 माइनस 46, बस यही हमें करना था और कोई भी स्पेशल काम नहीं था। तो देख लेते हैं कितना बन जाएगा, 30 में से ये घटा दो 29 साल, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी एज की कंडीशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें केवल इतना याद रखना है कि एज सबके लिए बराबर बढ़ती है, सबके लिए बराबर घटती है। मींस अगर 3 साल पहले की बात की गई तो सभी लोग 3-3 साल छोटे हो जाएंगे, और 3 साल पास्ट की बात कर दी गई वो फ्यूचर की बात की गई तो सभी लोग 3-3 साल बड़े हो जाएंगे। किसी एक को बड़ा नहीं करना, सभी लोग बड़े होंगे, बस इतना ध्यान रखना है और कभी भी एज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। कहा गया एक इत्र का अंकित मूल्य 720 रुपए है, यदि एक दुकानदार द्वारा दी गई छूट 15% है तो इत्र का विक्रय मूल्य क्या है। एक बात समझिए, हम जानते हैं कि आफ्टर डिस्काउंट जो भी प्राइस हमें मिलता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। अंकित मूल्य आपको डायरेक्ट दिया गया, डिस्काउंट आपको दे दी गई 15% है, पूछा क्या गया विक्रय मूल्य, तो कुछ करना ही नहीं था, सीधा सीधा सेलिंग प्राइस निकालना था, 720 का 85% कैलकुलेट कर दो, और नहीं 85% कैलकुलेट करना था तो 15% निकाल के 720 में से माइनस कर दो, कर देते हैं, कितने से कटता हुआ दिख रहा है, 5 से कट रहा है, ये 17 हो गया, 2 से कटता हुआ दिख रहा है, ये 36 हो गया, गुणा कर दो, 102 का मतलब 2 हो गया, 51 और 10 61, 612 कोई ऑप्शन है क्या, बस यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी वाला। कुछ भी इसमें हमें स्पेशल काम नहीं करना था, जो भी हमें कंडीशन दी गई थी बस उसी के बेस पर चलना था और हमें हमारा आंसर मिल जाता। देखते हैं हम लोगों की नेक्स्ट कंडीशन क्या बन रही है। कहा गया 6 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14 डेज, 6 आदमी किसी काम को 14 दिन में कर सकते, एक आ गया दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 डेज 3 मैन लेफ्ट, मतलब ये हुआ कि इन 6 लोगों ने साथ साथ काम शुरू किया लेकिन कितने दिन तक कर पाए, केवल 5 दिन तक, उसके बाद क्या हुआ 3 आदमी छोड़कर चले गए तो बचे कितने, केवल 3। अब कंडीशन ये कही गई आपसे कि बताइए इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, तो शेष पुरुषों द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। समझ लेते हैं, 6 आदमी 14 दिन में कर सकते हैं तो टोटल वर्क हम लोगों के हिसाब से कितना हो जाना चाहिए, 14 × 6 हो जाएगा। अब क्या किया गया, इन सभी ने काम साथ साथ शुरू किया, करवाइए साथ साथ शुरू, और कितने दिन तक कर लिया इन लोगों ने, 5 दिन तक। टोटल अगर हम बात करें तो हमारा काम कितने यूनिट हो गया, 6 × 5 30 यूनिट, और यहां से 84 यूनिट, टोटल काम था 84 यूनिट, काम हो चुका है 30 यूनिट, बचा कितना, माइनस कर दो, रिमेनिंग वर्क है 84 माइनस 30 दैट मींस 54 यूनिट। पूछा क्या गया,
आदमी चले गए तो शेष लोगों द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? तीन आदमी चले गए, टोटल छह थे, बचे कितने? तीन। तो तीन लोगों से आपको 54 यूनिट काम कराना है, तो 54 डिवाइड बाई 3, दैट मींस 18 डेज। क्या ये कोई आंसर है हमारा? तो ऑप्शन बी। सीधी सीधी बात थी, कोई भी उसमें ऐसी कंडीशन नहीं दी गई थी जिसको लेकर हम लोग परेशान होते। हमें जो भी दिया गया उसको अप्लाई करो और उसी के बेस पर हमारा सीधा आंसर निकल आएगा। 6 आदमी 14 दिन में कर सकते हैं, 14 × 6 टोटल काम हो गया 14 × 6 84। 6 आदमियों ने 5 दिन तक काम किया, 30 यूनिट काम हो गया, टोटल था 84, 30 हो गया, बचा कितना? 54। अब तीन आदमी इस 54 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे? तो 54 / 3, दैट मींस 18 डेज। बहुत सिंपल सी कंडीशन थी, देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए धन्यवाद।